दीदी के बाल लगाते हैं ना, कुछ समय के लिए तो बाद में झड़ जाते हैं, क्या दिक्कत है, गए तो गए, क्या कर सकते हैं। ओके सो चलिए, तो बाय मालिकुल, जैसे मैंने बोला है ध्यान देना, क्या देना है ध्यान, बहुत मजेदार रहेगा, मतलब ये ऐसे ही चॉकलेट की तरह, ठीक है, इतना आसान है, बट ध्यान देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, अगर ध्यान नहीं दोगे तो कुछ नहीं होगा, और क्लास के अंदर सब याद हो जाएगा, बस आपका साथ चाहिए, ठीक है, नहीं दोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ओके सो वी आर, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर, सर नाम क्या बताओ, बायो मॉलिक्यूल, क्या नाम है, ये 11वीं का है 12वीं का, पहला क्वेश्चन है, सिलेबस देखा ना आपने। ओके तो चैप्टर नंबर कौन सा है बताओ, 9, राइट, तो नाम है उसका क्या, बायो मॉलिक्यूल, राइट। ओके अभी थिंग इज दैट, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बायो, ठीक है, फोकस कीजिए बायो, क्योंकि मॉलिक्यूल मतलब केमिस्ट्री के अंदर भी आता, पता है ना, केमिस्ट्री के अंदर भी आता है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, तो एक बेसिक क्वेश्चन कि भाई बायो तो पता है सर, व्हाट इज मीनिंग, मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, हाथ खड़े करिए, मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, अरे वो तो टेंशन लो, मॉलिक्यूल का मतलब हाथ खड़ा करो, मॉलिक्यूल होता क्या है, हाथ खड़ा करो, मॉलिक्यूल मतलब क्या, लो कर लो बात, अभी चड्डी वाला बच्चा बताएगा आपको उसका मतलब क्या होता है, हाँ छठी क्लास का बच्चा, मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, आप मॉलिक्यूल नहीं बता पा रहे हो, तो मॉलिक्यूल होता क्या है, मतलब डेफिनेशन नहीं बताने का, मॉलिक्यूल क्या होता है, बोला मॉलिक्यूल क्या होता है, यस हाँ प्रोटीन मॉलिक्यूल, अरे मॉलिक्यूल मतलब क्या, प्रोटीन इज एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूल ना, मॉलिक्यूल मतलब क्या, मॉलिक्यूल मतलब स्मॉल पार्टिकल, डस्ट भी स्मॉल पार्टिकल है, कैन यू से डस्ट टू मॉलिक्यूल, हाँ ग्रुप ऑफ एटम, हाँ टुगेदरली फॉर्म व्हाट, बॉन्ड बनाते हैं, और बॉन्ड बनने के बाद क्या बनता है, मॉलिक्यूल, समझ में आया यार, अरे लू क्वेश्चन था, अभी इसमें आपका ये है, टेंशन मतलब मुझे भी नहीं आता था, ठीक है एट योर एज आई आल्सो, तो मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या है ना, बाद में बताया मॉलिक्यूल मतलब ऐसा कुछ होता है, मतलब मॉलिक्यूल मतलब बहुत सारे एटम एक साथ जब आते हैं ना, दे फॉर्म बॉन्ड एंड फॉर्म व्हाट, क्या बनाते हैं, राइट, उससे क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। नाउ सी देन व्हाट आर द मॉलिक्यूल्स इन बायोलॉजी, तो बायोलॉजी के अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, राइट, तो देर आर मेनी मॉलिक्यूल्स, उसमें से कुछ बेसिक मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो प्रोटीन क्या है, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, सुना है ना आपने कार्बोहाइड्रेट, तीसरा है यस लिपिड, एंड लास्ट में आता है न्यूक्लिक एसिड, सही बात है, यही आता है, यस ओके। नाउ ये शरीर कैसे बना बताओ, सेल्स किसने बनाया, शरीर किससे बना, सेल से, सेल्स को किसने बनाया, बोलिए बोलिए, आप टेंशन डरो मत, जो बोलना है बोलो, मैं कुछ चिल्लाऊंगा नहीं, मुझे पता, वैसे आप कुछ आता नहीं, बोलने के लिए क्या जा रहे, बोलो हाँ ये सेल, हाँ सेल किससे बनी, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल बनना मतलब एक एक के अंदर लिक्विड कार्बन भर दिया, ऐसा गोला बना दिया, सेल बन जाती है, ऐसा ना, ऐसा कुछ सेल की फैक्ट्री बना देंगे हम फिर, तो है ना, सेल की फैक्ट्री बना सकते, खड़ी कर सकते हैं, लिपिड कार्बोहाइड्रेट फैट ये सब डालो, उसका मिक्सचर बनाओ, उसका डंपिंग करो, है ना, डो बनाओ, उसका गोला बनाओ, बस सेकना नहीं, ठीक है उसको, है ना, और सेल मार्केट में बेच सकते हैं, सेल बनी किससे, सेल ऑर्गेनेल किससे बनी भाई, सेल ऑर्गेनेल बने किससे, हाँ बोलो बोलो किससे बने, प्रोटीन, है ना, खाली प्रोटीन से बने सेल ऑर्गेनेल, कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स न्यूक्लिक एसिड, है ना, मतलब हर सेल ऑर्गेनेल के अंदर न्यूक्लिक एसिड है, मतलब हर एक के अंदर डीएनए है, हाँ डिपेंड्स, है ना, लेकिन बेसिकली ये क्राइटेरिया, सही बात है ना, यस, फिर वो मॉलिक्यूल कहाँ से है भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही है तब तो तक नहीं,
वो कहाँ से है, मॉलिक्यूल कहाँ से बताओ, बोल रहा हूँ कहाँ से है, आया आसमान ना। हाँ कैसे कैसे, पहले से थे, पहले से ऐसा किसने सिखाया आपको ऐसे? मेरा नाम नहीं बताने के भारत, मंगेशकर हमारा टीचर था। गाली देंगे। मॉलिक्यूल किस कहाँ से आई, मॉलिक्यूल बताओ। पहले वो किताब बंद कर दो, पहले ठीक है, मेरा ध्यान रखो करिए, कुछ भी बकरी हो ठीक है, अगले अगले साल की तैयारी करने लग रहा है, समझा नहीं क्या बोला, अगले साल की तैयारी नहीं समझा, 10 दिसंबर की तैयारी ना, जो बीच में नहीं आता क्या करे, उसके लिए सोचना पड़ता है ना, क्या दिन आ गए। बोली बोली कहाँ से आए। हाँ बोलो, इसने तो बोल दिया। हाँ बोलो किसने बोला, प्लांट है ना, अरे तूने जो खाया उसी ने तो तेरा शरीर बनाया ना, तूने जो खाया उसने तेरा शरीर बनाया, राइट। तो क्या खाया तूने, हाँ प्लांट को खाया ना, हाँ फ्रूट्स ना, फ्रूट्स खाया, मतलब फ्रूट खाते खाते जीवन चला गया ना, खाली फ्रूट खाया दूसरा कुछ नहीं खाया, हाँ वेजिटेबल्स यानी प्लांट खाए ना, तो ये शरीर किसने बनाया, तूने जो खाया उसने तेरा शरीर बनाया, तो उसको किसने बनाया, बोलो बोलो। उस लोग लग रहे हैं मास्टर पागल हो गए, ठीक है आज तो कुछ गड़बड़ हो गया ना, ये आज तो कुछ गड़बड़ है, ठीक है बोलो बोलो, मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली सीरियस सीरियस क्वेश्चन सर, सीरियस बट यू आर टेकिंग जोकिंग, मैं क्या करूं, मैं पूछ रहा हूँ, मैं पूछने का तरीका जोकिंग है ठीक है, बड़े क्वेश्चन सीरियस है, बोलो उसके पास कहाँ से आया, सॉइल से है ना, कहाँ से आया, सॉइल से है, राइट, हाँ सॉइल से है ना, यानी शरीर किसने बनाया हमारा, अल्टीमेटली किससे बना शरीर, है ना, मिट्टी से बना है तो मिट्टी में मिल जाएगा, समझ में नहीं आ रहा, मिट्टी से बना है तो मिट्टी में मिल जाएगा, तो कोई कहेगा ठीक है सर मैंने प्लांट को नहीं खाया, मैंने क्या खाया, मांस, मांस खाया, क्या खाया, मांस, अरे तूने जिसको खाया उसने भी घास खाया ना, तो अल्टीमेटली घास के पास कहां से आया, मिट्टी से आया, तो मिट्टी से बना है तो मिट्टी में मर जाएगा नहीं मिल जाएगा, ठीक है समझे नहीं समझे, पक्का कुछ समझ में आया क्या, टाइम पास नहीं चल रहा, ध्यान दो ठीक है, कोशिश करते समझने की, तो बेसिकली इतने लोग मिलते हैं, कितने लोग मिलते हैं इतने, राइट, तो हमने सुना है सर, एक बार इस साइकिल को रिपीट करते हैं, क्या रिपीट करते हैं कि देखिए ऐसे एक बार लोअर लेवल पे आते हैं फिर हम हायर लेवल की तरफ जाते हैं, तो हमने सुना है सर कि हाँ फिर से हम पढ़ ले दोहराते, एक तो प्रोटीन, दूसरा कौन है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा कौन है लिपिड्स, और लास्ट में कौन है न्यूक्लिक, और न्यूक्लिक एसिड में दो ही लोग बताओ कौन कौन से आपके, आरएनए एंड डीएनए, राइट, क्वेश्चन मार्क, राइट, हम सोचते हैं ये लोग कहाँ से आए, तो इनका भी एक सोर्स है, क्या सोर्स है दिखाता ध्यान दो, ये लोग बनते हैं, ये किससे बना रहे हैं अमाइनो एसिड से, ये किससे बना रहे हैं शुगर्स, किससे बना शुगर, ये किससे बना फैटी एसिड प्लस, हाँ फैटी एसिड प्लस, थैंक यू, फैटी एसिड प्लस ये बना ग्लिसरॉल से, पता है ना ग्लिसरॉल, ये किससे बना न्यूक्लियोटाइड, किससे बना, सो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड भूल गए क्या, सही बात है ना, यस ये सब चीजें, राइट, तो ये इसको इन्होंने बनाया, राइट, हाँ लेकिन इनको बनाने वाला कौन है सर, इनको बनाने वाला एक ही व्यक्ति, बताओ कौन, इसके अंदर आता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, है ना, पता नहीं, पता नहीं, फॉस्फरस, फेरस, पोटेशियम, सोडियम, पता नहीं, पता है, बहुत कुछ है, लंबा लिस्ट चलेगा, लेकिन 100 मतलब कितना टोटल, 118 ना आई थिंक, करेंटली कितने हैं, घटते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, यूरेनियम कभी आता है नहीं आता है, टाइम पास चलते रहता है, ठीक है, साइंस है ना, साइंस है, फिक्स नहीं रहता, ओके दैट मीन्स दैट अगर सर ये इतने जितने लोग हैं ना, ये सब क्या ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, तो बोलता हूँ क्या है ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक,
क्या है ये? पक्का ना? इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? तो ये क्या है? इनऑर्गेनिक। कौन है? इनऑर्गेनिक, राइट। और ये सब के सब क्या है? ये ऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक है, और ये अर्गो इनऑर्गेनिक है ना? बीच में कहा गया अर्गो इनऑर्गेनिक, बीच में कहा गया क्या है ये? अर्गो इनऑर्गेनिक। हम दोनों रिसर्च पेपर निकालेंगे, ठीक है? बताओ क्या है? अब बोलो क्या है? ये भी ऑर्गेनिक है भाई। अमाइनो एसिड सर ऑर्गेनिक ना? न्यूक्लियोटाइड का ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है ना? पता है नहीं? पता नहीं। इसका मतलब ये सब के सब क्या हो गया? ऑर्गेनिक हो गया ना? तो इसका मतलब ये है सर कि ये शरीर जो बना या फिर जो मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूल किससे बनते हैं? इनऑर्गेनिक से क्या बनते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनते हैं। समझ में नहीं आ रहा है? बायो मॉलिक्यूल यानी बायो केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? बायो केमिस्ट्री। अगला एक हफ्ता खाली केमिस्ट्री पढ़ना है। क्या पढ़ना है? केमिस्ट्री। बहुत कुछ आएगा, अलग अलग चीज आएगा, ठीक है? ध्यान फोकस रखिए। लेकिन ये केमिस्ट्री मतलब उस वाले केमिस्ट्री से मैच करती है, लेकिन कई कुछ कुछ जगह मैच नहीं करती है। 99% मैच करती है, 1% नहीं करती। कहाँ कहाँ? मैं वो दिखाता हूँ, ठीक है? ये क्लियर आपको समझ में आ रहा है? और फिर हमने एक साइकिल देखा था कि कैसे मतलब शरीर ना बना किसे। तो हम जानते हैं सर, क्या जानते हैं? कि देखिए ये सब ना कार्बन, हाइड्रोजन ना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फरस है ना, पोटेशियम, सोडियम है ना, देन फेरस, देन मैग्नीज, मैग्नीशियम है ना। ये सब जब मिल जाते हैं, और मिलने के बाद सर क्या बनते हैं? कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल बनते हैं। कौन कौन बनता है? अमाइनो एसिड्स, यस। दूसरा कौन सा बोला हमने? ग्लिसरॉल बनता है, नहीं बनता है? ग्लिसरॉल क्या बनता है? फैटी एसिड्स। क्या बनते हैं? शुगर्स। क्या बनते हैं? न्यूक्लियोटाइड बनते, नहीं बनते? ये सब बनते हैं। ये सब जुड़ने से क्या बनता है सर? चार प्रकार के, कौन कौन से बताओ? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, यस, लिपिड्स, देन व्हाट? न्यूक्लिक एसिड। ये सब जब जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद इनसे अलग अलग क्या बनते हैं? सेल ऑर्गेनेल। क्या बनते हैं? बनते नहीं बनते हैं? सेल ऑर्गेनेल बनेंगे। इन सेल ऑर्गेनेल से फिर से क्या बनती है? सेल बनते नहीं बनते हैं? इनसे बनती सेल। सही बात है? पक्का? नहीं। ध्यान दीजिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई, इनको अगर हम इन प्रोस्पेक्टिव ऑफ किस केस में देखें, ह्यूमन के केस में, तो इनको देने के लिए यहाँ कौन रिस्पॉन्सिबल था? प्लांट। कौन देता है? प्लांट ही तो देता है इनको। प्लांट ही लेते, पता नहीं? बताए दिस ऑल थिंग्स आर टेकन बाय हूम? प्लांट। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये सिंपल फॉर्म में जो मिल रहा है, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, सब जो मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है हमें? प्लांट से मिल रहा है ना? लेकिन प्लांट से मिल रहा है तो प्लांट ने इनको कहाँ से लाया सर? इनको सीधा यहाँ से। तो वो प्लांट का कितना बड़ा रोल है? डायरेक्टली ये बना के दे रहे रेडीमेड। समझ में आ रहा है? क्या बना के दे रही है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, एंड व्हाट? न्यूक्लिक एसिड। और उनसे हमारा क्या बन रहा है? सेल ऑर्गेनेल। फिर क्या बन रहा है? सेल। सेल से क्या बना? टिश्यू। टिश्यू से क्या बना? ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बना? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से क्या बना? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मरा तो मरने का फिर से क्या बना? मिट्टी ना। मिट्टी मतलब कौन? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। क्या बने? रिसाइकल चलते रहते, रिसाइकल चलते रहते हैं। मतलब ये ऑर्गेनिज्म मर गया तो फिर अल्टीमेटली ही बनने वाला ना, इसको कौन लेगा? प्लांट। फिर ये चलते रहते, ये सृष्टि का जीवन चक्र। समझ में आ रहा है? मिट्टी से बनते हैं, मिट्टी में क्या होते हैं? मिल जाते हैं। समझ में आया? क्लियर है? ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। अब जरा ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा फोकस कीजिए। साइंटिस्ट लोगों ने एनालिसिस करना स्टार्ट किया, तो पता चला, कैसे पता चला कि ये सब चीजें रहती है हमारे बॉडी के अंदर? देयर आर डिफरेंट डिफरेंट एनालिसिस, अलग अलग एनालिसिस है। देखो, दो प्रकार के केमिकल हमारे बॉडी के अंदर मिलते हैं। एक तो मिलता है ऑर्गेनिक केमिकल। क्या मिलते हैं? और दूसरे क्या मिलते हैं? मिलते नहीं मिलते? ऑर्गेनिक एज वेल एज व्हाट? इनऑर्गेनिक। दो दो मिलते हैं, ऑर्गेनिक मिलता है, दूसरे क्या मिलता है? इनऑर्गेनिक। बताओ इनऑर्गेनिक कौन कौन है बोलो? और कार्बन। अब मैं, और ऑर्गेनिक कौन कौन है? और मैं आया, इतना तो क्लियर है, यस। तो लेकिन देखो, अगर इन टर्म्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो ऑर्गेनिक के लिए अलग से एनालिसिस है। डिफरेंट डिफरेंट क्या है? एनालिसिस। और इनऑर्गेनिक के लिए क्या है? अलग से क्या है? एनालिसिस है। क्या बोला? कुछ समझ में नहीं आया सर। क्या एनालिसिस? कौन सा एनालिसिस? अरे भाई देखो कि हमारे शरीर के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिलते हैं, ये चेक करने के लिए केमिस्ट्री के अंदर, बायोकेमिस्ट्री के अंदर अलग अलग क्या रिएक्शंस किए जाते हैं, समझ में आ रहा है? कुछ प्रोसेस किए जाते हैं। तो
वो बोलते हैं अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन कौन से अगर पहचानना है उसके लिए जो प्रोसेस करते हैं उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक एनालिसिस। क्या बोलते हैं इसको? नहीं आ रहा है। अगर इनऑर्गेनिक कौन से चेक करें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इनऑर्गेनिक एनालिसिस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो चलिए कैसे किया उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ध्यान दीजिए, फर्स्ट हम जो प्रायोरिटी देंगे किसको देंगे, तो हम देंगे ऑर्गेनिक। किसको देंगे? ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक एनालिसिस कैसे किया उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सुनिए ध्यान दीजिए, उसके लिए हमें दो चीज लग सकता है। एक तो लीवर का छोटा सा हिस्सा। क्या क्या लग सकता है? लीवर का छोटा सा हिस्सा, वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ लीवर। ओके, तो एक छोटा सा पोर्शन लिया मान लो। वैसे अदर चीज भी ले सकते हैं लेकिन लीवर का एक छोटा सा पोर्शन, इतना बड़ा भी नहीं, एकदम छोटा पोर्शन लिया हमने, ठीक है। और इन टर्म्स ऑफ अभी हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे, प्लांट के परस्पेक्टिव में ज्यादा ध्यान देंगे तो हम एक लीफ भी ले सकते। क्या ले सकते? लीफ। लीफ भी ले सकते, कैन टेक लीफ। यानी लीफ रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? प्लांट टिश्यू को। और ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? एनिमल टिश्यू को। दोनों में से एक लो, कोई भी चलेगा, हमें ऑर्गेनिक एनालिसिस करना है। बट मोर ओवर चलो ठीक है, हम लीफ लेते हैं, आसान हो जाएगा। लीफ इज द बेस्ट वे ये स्टडी करने के लिए, आसान कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिलते हैं चेक करने के लिए। एक द लीफ लेप ले लिया, और लीफ लेने के बाद आपका मॉर्टर, मॉर्टर पता है लैब के अंदर रहता है, पता है ना? पता है चीनी माते से बनता है ना, चीनी बर्तन से, देखा होगा ना? अरे कहीं आयुर्वेदिक के हॉस्पिटल में देखा होगा, नहीं होगा? और रखते हैं लीफ, राइट। तो इट्स अ पिस्टल एंड व्हाट, ग्राइंडिंग मॉर्टर, पता है आपको? ये दो चीज यहाँ पे रहता है, तो ये इस तरीके से देखा होगा ना आपने। यस, फाइनली यू हैव टू पुट दिस लीफ, इस लीफ को हमने डाल दिया इसके अंदर, राइट। और डालने के बाद आप इसको क्या करना है? इसको ग्राइंड करना स्टार्ट करना है, राइट। लेकिन ग्राइंड करने से पहले यू हैव टू ऐड समथिंग, इसके अंदर कुछ आपको डालना पड़ता है। क्या वो चीज डालेंगे सर? ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। क्या डालना है आपको? ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। ट्राइक्लोरो कैसे याद रखेंगे सर? ट्राई मीन्स तीन, ट्राइक्लोरो सी डबल ओ एच एसिटिक एसिड। समझा नहीं समझा? दिस इज ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, Cl3CCOH। नाम क्या इसको बताओ? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड ले लिया ना? यस yes. उसके साथ मिक्स करेंगे, इट इज मिक्स, है ना? मिक्स करने से क्या होगा सर? ये आसान होगा, एक सॉल्वेंट है ना, ऐसे करना मुश्किल है डायरेक्टली। तो ये इसके साथ मिक्स करके हमने क्या कर दिया? उसको पूरा का पूरा ग्राइंड कर दिया। आफ्टर ग्राइंड, ग्राइंड करने के बाद क्या है? देखो ग्राइंड करने के बाद फाइनली उसका एक हमें क्या मिलेगा? बिकर के अंदर अगर हमने ले लिया उसको, ठीक है, सो वी विल गेट व्हाट? वी विल गेट द स्लरी। स्लरी मतलब क्या बोल सकते हैं? पेस्ट टाइप मटेरियल मिलेगा, नहीं मिलेगा, राइट? स्लरी ऑफ दिस, ये पूरा उसका स्लरी मिल जाएगा, राइट। अब मिलने के बाद क्या करना है? यू हैव टू डू वन मोर थिंग, एक और चीज करना है। इसको ले लो, लेने के बाद यू हैव टू डू वन थिंग। आपको फनल पता है? फनल पड़ा होगा ना लैब के अंदर, देखा नहीं? देखा है, तो देखा तो होगा कभी। तो फनल को लो आप, ठीक है, फनल को लो और लेके यस यू हैव टू पुट ऑन द फनल। एक फनल लेना और फनल के ऊपर एक थोड़ा सा क्लॉथ हमें ऐड करना है। क्लॉथ, चीज क्लॉथ पता है आपको? चीज क्लॉथ, अरे चीज बनाने के लिए उसको ना, उसको पानी निकालने के लिए, पता ना? चीज डाल के पानी निकाल, चीज क्लॉथ पता नहीं? पता नहीं यू हैव टू टेक वन चीज क्लॉथ। चीज क्लॉथ लो, और उसके बाद क्या करना है आपको? यू हैव टू पोर जो सब्सटेंस था पूरा का पूरा यहाँ पे ऐड करना है। कर दिया ना? अब ऐड करने के बाद दो चीज आपको मिलेगा, जरा ध्यान दीजिए। और ऑफ कोर्स यू हैव टू पुट वन मोर बीकर यहाँ पे, और एक बीकर हमें ये करना है। मजे की बात देखो, हमने उसको ग्राइंड किया था पूरा का पूरा। अब ग्राइंड करने के बाद क्या होगा? जो चीजें एसिड के अंदर मिक्स हो गई वो कहाँ चली जाएगी? नीचे ना, क्लॉथ है ना, क्लॉथ से फिल्टर के नीचे आएगी, नहीं आएगी? यस। तो मैक्सिमम पार्ट जो क्या होगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। तो मैक्सिमम पार्ट यहाँ पे नीचे की तरफ आ गया, मान लीजिए नीचे की तरफ आ गया। यस, जो नीचे की तरफ आता है उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं इसको? इट इज कॉल्ड एज द फिल्ट्रेट। जो ऊपर ही बच गया, बहुत सारा चीज ऊपर बच जाए, बचेगा नहीं बचेगा? जो बड़े बड़े पार्ट है ऊपर बचेगा नहीं बचेंगे? यस। तो कुछ कुछ बड़े बड़े पार्ट ऊपर बच जाएंगे, उसको बोलते हैं रिटेंट। रिटेंटेंट क्या बोलते हैं उसको? रिटेंटे। रिटेंटे, रिटेंटे मतलब ऊपर ही रह गया, उसको बोलते हैं रिटेंट, राइट। ऊपर बच गया। नाउ थिंग इज दैट, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीजें सुनना पड़ेगा आपको, ध्यान दीजिए। जब उन लोगों ने एनालिसिस किया, जब उन्होंने देखा, तो देखने बाद क्या मिला? देखने बाद एक इंटरेस्टिंग चीज मिली उनको। क्या मिली इंटरेस्टिंग चीज? तो ये यहाँ मॉलिक्यूल का चेकअप किया, कौन कौन से मॉलिक्यूल मिले। तो मॉलिक्यूल मिले इधर, यहाँ पे देखो ध्यान दो, एक तो मिला यहाँ प्रोटीन, एक तो मिला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा मिला लिपिड, और लास्ट में क्या मिला? न्यूक्लिक एसिड, राइट। और जब उन्होंने जब फिल्ट्रेट है उसका जब एनालिसिस किया, समझ में आया? उसका एनालिसिस करने में उनको क्या क्या मिला? अमाइनो एसिड, समझ में आ रहा है? ग्लिसरॉल प्लस व्हाट? फैटी एसिड्स। फिर क्या मिले? शुगर। शुगर के अंदर हम बोल सकते हैं क्या क्या मिला बताता हूँ। ग्लूकोज पता है आपको? इसके अंदर भी लिस्ट बता सकते हैं। ग्लूकोज मिला इसके अंदर,
यस फ्रुक्टोज जानते नहीं जानते हो, फ्रुक्टोज सुक्रोज है ना, सुक्रोज ओके, ये सब शुगर मिले राइट, जरा ध्यान दीजिए ऑल दिस शुगर्स राइट। तो एंड न्यूक्लियोटाइड क्या मिले साथ साथ में, न्यूक्लियोटाइड्स। अच्छा तो कहना क्या चाहते हो सर, कहना ये चाहता हूँ जरा ध्यान दीजिए, ऊपर जितने भी चीजें थे ऑल द थिंग्स आर व्हाट, एसिड सोल्युबल और एसिड इनसोल्युबल, एसिड सोल्युबल और एसिड इनसोल्युबल, एसिड सोल्युबल ना, बात समझ में आ रही है, ऊपर की सारी चीजें क्या एसिड सोल्युबल और इनसोल्युबल, इनसोल्युबल ना, ध्यान दिया करो आप, मैं तो बताऊं ध्यान नहीं दे रहा, मैं चेक कर रहा हूँ बार बार। तो सारे के सारे ऊपर की चीजें क्या है ऑल थिंग, ये सब के सब क्या है, क्या इनसोल्युबल एसिड इनसोल्युबल, और ये सब के सब क्या है एसिड सोल्युबल, तो मेरा मैं क्या बता रहा हूँ आपको, एक एसिड सोल्युबल था और एसिड क्या था इनसोल्युबल, दो प्रकार की चीजें मिली नहीं मिली, ऑफ कोर्स वी हैव गॉट टू काइंड ऑफ थिंग्स, दो प्रकार की चीज मिल रही, एक तो मिल रहा है हमें क्या एसिड सोल्युबल और क्या मिल रहा है एसिड इनसोल्युबल, फर्क क्या दिख, फर्क दूसरा फर्क अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया, ध्यान दीजिए अगर ये जो चीजें हैं दिस ऑल ये सब के सब, इसको थोड़ा हम साइड में लेंगे, जैसे फिर से एक बार साइड में लेते, जो ऊपर की तरफ जितने मिले थे ये सारे के सारे ऑल आर व्हाट, ऑल आर मैक्रो मॉलिक्यूल, सब के सब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल बताओ, बड़े है ना, तो ये सब के सब क्या कहलाएंगे, सब सब कहलाएंगे मैक्रो मॉलिक्यूल, और जो सबके सब यहाँ पे बैठे हैं इन सबको क्या बोलेंगे, इधर पर लेते माइक्रो मॉलिक्यूल, समझा मेरी बात को, इस ऊपर के सबके सब मैक्रो मॉलिक्यूल, नीचे के सबके सब वाई माइक्रो, क्योंकि इनको बनाने वाले ये ना, ये इनसे बनता नहीं है अभी तो पढ़ा है, तो ये छोटे होंगे नहीं होंगे, बिल्कुल वो छोटे होंगे, ध्यान दीजिए बिल्कुल वो छोटे होंगे, अगर अगर देखिए खासकर प्लीज ध्यान दो जो बोल रहा सुनो, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर देखा, सिर्फ और सिर्फ किस एक्सपेरिमेंट के अंदर, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जब देखा उन्होंने और इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जब चेकिंग किया, तो चेक करने के बाद क्या पता चला, जितने भी मैक्रो मॉलिक्यूल है, मैक्रो क्या बोला मैंने मैक्रो, तो इनका जो वेट है 10,000 डाल्टन से ऊपर ही मिला, समझा नहीं समझा, ऊपर मतलब ज्यादा ही मिला, समझा समझा, और जितने भी खासकर इसी एक्सपेरिमेंट के अंदर, मैं बात क्या कर रहा हूँ रिपीट करो ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ किस एक्सपेरिमेंट के अंदर, इसी एक्सपेरिमेंट के अंदर जब देखा गया था, तो ऊपर के जितने भी मॉलिक्यूल्स थे उनका वेट कितना था, ज्यादा था या फिर ऊपर था, मान लो मोर देन 10,000 डाल्टन, और इसी एक्सपेरिमेंट के अंदर जब चेक किया गया किसका, खासकर फिल्टर्ड, किसका चेक किया फिल्टर्ड, तो फिल्टर्ड के अंदर ये सब लोग है, तो ऑल जितने भी माइक्रो मॉलिक्यूल है, माइक्रो क्या बोला मैंने माइक्रो, तो उनका वेट ज्यादा नहीं मिला, 1800 से लेकर 1800 डाल्टन तक ही मिला, कितना मिला 1800, समझ आ रहा है क्या बोला, समझे ना, कितने लोग समझे बताओ, पक्का पक्का समझे, ओके सबका ये मिला, एक सस्पेंस भी है उसको हम क्लियरिफाई करेंगे, बट जरा ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, फोकस करो जो बोल रहा हूँ, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है सुनो जो बोल रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ, अगर इसके टर्म्स ऑफ जरा ध्यान से देखा गया, ध्यान से देखने के बाद अगर बायोकेमिस्ट्री किसके हिसाब से, बायोकेमिस्ट्री के हिसाब से अगर देखा जाए, तो एक पर्सपेक्टिव ये भी है जो कि पता होना चाहिए, जरा ध्यान दो, किसको बोलना है सर मैक्रोमोलिक्यूल, सुनो मैं जो बोल रहा हूँ सुनो, किसको बोलना है मैक्रोमोलिक्यूल और किसको बोलना है माइक्रोमोलिक्यूल, बिग क्वेश्चन ठीक है, क्या है देखो किसको बोलेंगे अभी, यहाँ की सिचुएशन कुछ और है, यहाँ की सिचुएशन क्या है कुछ और है, लेकिन प्रैक्टिकली किसको बोलते हैं, तो बायोकेमिस्ट्री के अनुसार अगर मैक्रोमोलिक्यूल अगर किसी को कंसीडर करना है, मॉलिक्यूल का अगर हमें क्या करना है क्लासिफिकेशन करना है, तो बायोकेमिस्ट्री बोलती है मैक्रोमोलिक्यूल वो चीज है जिसका वेट होना चाहिए मिनिमम 1000 डाल्टन से क्या ज्यादा, मेरी बात समझ आ रही है, और माइक्रोमोलिक्यूल मतलब क्या, जिनका वेट कितना होना चाहिए 1000 डाल्टन से क्या कम, बात समझ आ रही है, यहाँ लोग कंफ्यूज होते, देखो ध्यान दो एनसीईआरटी के अंदर देते समय ठीक से नहीं दिया है, और बहुत सारे लोगों को दिमाग में डाउट रहता है क्या बोल रहा है कुछ समझ नहीं आया, ध्यान दो प्रैक्टिकली अकॉर्डिंग टू बायोकेमिस्ट्री मोर देन 1000 वेट क्या होगा तो क्या बोलते इसको, अगर कम होगा तो क्या बोलते इसको, समझे नहीं समझे, दिस इज द सिचुएशन, ये सिचुएशन हम जानते हैं, तो यहाँ क्या है सर बेटा ये इस एक्सपेरिमेंट की खासियत है, तो इस एक्सपेरिमेंट में नीचे जब मिले कितना वेट मिला इनका 1800 That doesn't mean कि ठप्पा नहीं लगाना है कि माइक्रो मॉलिक्यूल मतलब उनका वेट इतना रहता है क्या, माइक्रो मॉलिक्यूल मतलब बायोकेमिस्ट्री का वेट कितना रहता है मोर लेस देन कम ना,
लेस देन 1000 डालते हैं ना, फिट बेटर नहीं बैठ रहा है। यस, कितने लोग समझे वहां लिख, मैं बोल रहा हूँ ना भाई, दिक्कत हुई है, दिक्कत हुई है, कहीं दूसरे जगह पे 2-3 महीना बिठाना चाहिए तभी जाके समझ में हम पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, सुनो पहले तो पढ़ते समय कंफ्यूज नहीं होना है, मैं दिखाऊंगा कैसे कैसे दिया, आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि बोलना क्या चाहता है, लेकिन ध्यान से पढ़ोगे समझ में आता है। तो ये बात तो क्लियर है सर, यहाँ 18 से 1800 डाल्टन दिया है, किसके लिए दिया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किस एक्सपेरिमेंट के लिए, इस एक्सपेरिमेंट के लिए। यहाँ पे कितना 10,000 डाल्टन कितना दिया है, लॉजिक लगाओ जरा, ऐसा क्यों बोला गया है। जाहिर सी बात है, देखो अगर हमने किसको पकड़ा, डीएनए, अरे डीएनए छोटा रहता है बड़ा रहता है, वेरी लॉन्ग ना, तो एक न्यूक्लियोटाइड का वेट कितना होगा, अरे लेस देन 1000 डाल्टन ना, लेस देन व्हाट 1000 डाल्टन, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड क्या है, माइक्रो मॉलिक्यूल ना, पता है ना न्यूक्लियोटाइड, पक्का पता है ना, ऐसा खालतू में हाँ मत बोलो, पता है। तो अगर भाई उसका एक का 1000 डाल्टन होगा, 1000 डाल्टन से कम होगा, इसका मतलब डीएनए तो बहुत बड़ा है ना, एंड डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ व्हाट, न्यूक्लियोटाइड, और बता डीएनए के अंदर एक न्यूक्लियोटाइड होगा या हजारों करोड़ होंगे, तो भाई उसका वेट कितना होना चाहिए। अरे 10 न्यूक्लियोटाइड बन गए तो तुरंत क्या 10,000 बनता नहीं बनता है, अब बुद्धि चल रही है आपकी, कितने लोग समझे इसको, हम सेल्युलोज बोलते हैं, सेल्युलोज पता है ना, स्टार्च, स्टार्च भी क्या है, पॉलीमर है, पॉलीसैकेराइड है या नहीं, तो कार्बोहाइड्रेट जो है यहाँ पे सारे के सारे पॉलीसैकेराइड है, बड़े बड़े लार्ज लार्ज, ये कार्बोहाइड्रेट लिखना गलत है, यहाँ पे लिख सकते हो पॉलीसैकेराइड, क्या लिख सकते हो पॉलीसैकेराइड, मतलब जानते नहीं जानते, एक शुगर का लंबा चेन, अरे एक शुगर का वेट कितना होगा, कम ही होगा ना, लेकिन एक एक पॉलीसैकेराइड के अंदर, एक स्टार्च के अंदर शुगर कम रहता है, बहुत ज्यादा ना, तो वेट 10,000 ज्यादा जा सकते नहीं जा सकते, आसानी से चला जाएगा, पक्का समझ में आ गया, कितने लोग समझे जिसको बता, ये चीज क्लियर है सबको। बिग क्वेश्चन जो कि नीट के अंदर एक पकड़ भी लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन भाई, वहां एनसीईआरटी के अंदर लिखा है, क्या लिखा है, लिपिड्स, लिपिड के बारे में लिखा है, आर नॉट, लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल, क्या बोला समझे ना, कि बोला लिपिड स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल है क्या, नहीं, क्या बात कर रहे हो, नहीं है, उसका वेट कितना है, एनसीईआरटी बोलता है सिर्फ भाई उसका वेट 800 से भी ज्यादा नहीं, कितना नहीं है 800 से ज्यादा, मतलब सिर्फ और सिर्फ 800, कितना 800, लेस देन 800, समझ में आ रहा है, डू नॉट एक्सीड मोर देन 800, ऐसे लिखा है एनसीईआरटी में, ये तो गड़बड़ है सर, वेट कितना उसका, और फिर नीचे आना चाहिए ना, समझे नहीं समझे, एक तो ऊपर बैठ गया, बात समझ में आ रही है, जितने भी माइक्रो हो गए तो बहुत छोटे है ना, फिल्टर के नीचे आना चाहिए, एक तो ऊपर बैठ गया, और ऊपर बैठा तो बैठा, वेट कितना है उसका, अरे यार एनसीईआरटी बोल रहा है इट इज नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल, व्हाई, बिग क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन आते नीट के अंदर, जरा देखिए ध्यान दो, अगर हम ये थोड़ी कहानी है, इंपॉर्टेंट है सुनो, लिपिड, लिपिड का स्ट्रक्चर याद है आपको, ऐसे दिखता है ना, लिपिड्स आर लुक लाइक दिस, ओके, बट उसमें से ये पूरा लिपिड है या अकेला लिपिड है, बिग क्वेश्चन, अकेला है ना, पता नहीं पता है, हम जानते हैं यार, उतना तो सोचो कि एक एक सर ये ग्लिसरॉल, ये क्या है ग्लिसरॉल, और दो क्या है सर ये, तो ग्लिसरॉल फैटी एसिड क्या बनता है, क्या बनता है लिपिड, और एनसीईआरटी बोलता है उसका वेट कितना है 800 डाल्टन से भी क्या है कमी, do not exceed more than 800, max कितना 800, उससे ज़्यादा होता है क्या, नहीं, तो सर क्या है ऐसे, लोग समझ में आ रहे हैं ऐसे कैसे बोल रहा है, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट भी समझ में नहीं आ रहा, समझो इस स्टेटमेंट को, एनसीईआरटी क्या बोलना चाहता है, वहां पे लिखा ये है कि होता है क्या, देखो जब ग्राइंडिंग करते ना, तो ग्राइंडिंग करते समय क्या होता है, देखिए ये लिक्विड मॉलिक्यूल तो सेपरेट होते हैं, होंगे नहीं होंगे, सेपरेट तो होते हैं, लेकिन होने के बाद भी प्रॉपर्टी कुछ इस प्रकार से है सर, ऑयल देखो, ऑयल ऑयल तो एक साथ है ना, लेकिन पानी के अंदर डालने का ऑयल क्या होता है, ऊपर नहीं होते, गोले गोले बने, देखा बाद में ऊपर आते, लेकिन पहले गोले बनते ना, तो कुछ इस प्रकार से कि बोला जाता है कि अगर तोड़ तो दिया सर, इतना बड़ा बायलेयर है, मान लो बहुत बड़ा बायलेयर, इतना ये मेम्ब्रेन किसके अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है, होता है ये, पहले पहले क्लियर करो, पहले बताता हूँ कि लिपिड कहाँ कहाँ पे रहते, मैं इसको समझाता दो रहा हूँ, लिपिड बायलेयर कहाँ कहाँ पे होता है, आप जानते होंगे आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन किससे, लिपिड बायलेयर से बनता है, क्लोरोप्लास्ट किससे बनता है, लिपिड बायलेयर से बनता नहीं बनता है, तो क्लोरोप्लास्ट का मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब क्या है, लिपिड बायलेयर से बनते हैं, इतना लिपिड है ना, इतना लिपिड है, जब उनको तोड़ते हो, तोड़ने के बाद क्या होता है, द प्रॉब्लम इज दैट जब तोड़ोगे तो क्या होता है, कितना भी सेपरेट करो सर, प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है,
ऊपर का नेचर, ऊपर उस ऊपर वाले का नेचर क्या, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक और नीचे का फोबिक, तो फोबिक फोबिक एक साथ आएगा, आएगा नहीं आएगा, कितना भी इनको तोड़ो, कितना भी उसको कूटो, कितना भी सेपरेट करो, फाइनली दे विल कम टुगेदर लाइक दिस। कितने लोग समझे, समझे नहीं समझे? और ये क्या बनाते सर, वेसिकल, क्या बनाते पता है ना, छोटे वेसिकल बने ना, ये तो गलत हो गया, मोर ओवर ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, छोटा छोटा, कितना भी तोड़ो ऐसा छोटा सा गोला बन जाएगा, कितना भी सेपरेट करो अगेन दे विल फॉर्म स्मॉल गोल, समझे? यूनिटी में पावर है या नहीं है? अगर कितना भी गोला बनेगा तो एक के अंदर कम से कम कितना होगा, एक का अगर 800 डालते हैं ना, अगर इसके अंदर दो कितना 20 लोग बैठ गए तो कितना हो जाएगा, 16,000 होगा, तो बन गया मोर देन 16,000 डालते हैं, समझे नहीं समझे? तो कितना भी तोड़ो, तोड़ने के बाद फिर से क्या होता है, अगेन 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 कम टुगेदर एंड दे फॉर्म व्हाट, वेसिकल, क्या बनाते हो, वेसिकल। इसलिए न चाहते हुए भी लिपिड अंदर आ नीचे आ सकता है क्या, समझे नहीं समझे? इसलिए दे आर नॉट, दे आर माइक्रो या माइक्रो, अब बताओ, अब वो माइक्रो मॉलिक्यूल बोलेंगे या मैक्रो मॉलिक्यूल बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं? प्रैक्टिकली क्या है वो, माइक्रो ना, अरे बायोकेमिस्ट्री के अनुसार क्या है वो, माइक्रो है ना, बट इस प्रैक्टिकल के अनुसार क्या कह रहा है, इसलिए इस प्रैक्टिकल के अनुसार लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली माइक्रो मॉलिक्यूल, समझे? Yes, not strictly macromolecule. Thank you. So, अब क्वेश्चन यहाँ आता है सर, ऑप्शन के अंदर लिखा है लिपिड्स आर, मैक्रो भी लिखा है, माइक्रो भी लिखा है, और कुछ है ना पॉली लिखा है, कुछ चार लिखा है, तो किसको सेलेक्ट करोगे, माइक्रो को करोगे मैक्रो को करोगे? कितने लोग मैक्रो को करना चाहते हैं, कितने लोग माइक्रो को करना चाहते हैं? सुनो ध्यान दो, सुनो, अब इस चीज में धोखा खा रहे ना, तो क्या आंसर एक्सेप्टेड है एंटी हॉलो को, एंटी हॉलो का आंसर एक्सेप्टेड है मैक्रो, क्या आंसर एक्सेप्टेड है मैक्रो, इसमें किसको टिक मार्क करना है, मैक्रो, दे आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रो मॉलिक्यूल, मतलब अल्टीमेटली क्या कहना चाहता है, मैक्रो मॉलिक्यूल में क्या उसने बोला, लिपिड्स मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं, ऐसा बोला क्या, बोला नॉट स्ट्रिक्टली व्हाट, कितना लोग समझे, पक्का ना, यही खेल है, लोग यही धोखा खाते, लोगों ने तो सब आसान, बहुत आसान भाई ऐसे क्वेश्चन है, तो फिर हाँ माइक्रो है लिख क्या है, सही है, एंटी का पेपर गलत, उसने आंसर भी गलत निकाली एंटी वालों ने, अरे भाई सोचो थोड़ा, ये नॉर्मल साइंस नहीं है, ठीक है, ऐसे है ना कोई भी आएगा गड़ा पेड़ा है ना, रट्टा मार के पड़ेगा है ना, क्रैक करेगा, ऐसा है क्या, अरे नहीं है, उसमें बहुत बारीक बारीक चीज रहती है, अरे पेपर पूरा एप्लीकेशन बेस्ड आता है, एंटायर ये प्लांट वाले पेपर है ना एप्लीकेशन बेस्ड आता है, एप्लीकेशन बेस्ड मानता हूँ, और देखो जो जो बोलूंगा वही क्वेश्चन आएंगे, जो बोलूंगा वही क्वेश्चन आएंगे, कैसे आएंगे सर आपको जादू है क्या, नहीं एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस ना, आप भी मेरे जगह आके खड़ा हो गया, खड़े हो जाओगे तो आपको भी आ जाएगा, ऐसा बड़ा चीज नहीं है, कुछ मैं मेरे पास कुछ खास पावर्स नहीं है कि कैसे कैसे पता चलता है, मैं बताऊंगा ये क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन आता है, उनको पूछ सकते, मैं बोला था चार्ट निकाल के जाता इसमें से क्वेश्चन आएगा, बड़े चैप्टर में से उसमें से आया क्वेश्चन, बाय डिफॉल्ट पता चलता है, दिखाऊंगा आपको। तो ये क्वेश्चन आता है लिपिड्स के बारे में, क्वेश्चन आता है लिपिड का वेट कितना है, कितना है, टू नॉट एक्सीड मोर देन 800, ये क्वेश्चन आता है, व्हाई लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमॉलिक्यूल, बिकॉज एज सून एज वी व्हाट ग्राइंड देम दे फॉर्म व्हाट, वेसिकल, एंड दे आर नॉट एबल टू व्हाट, फिल्ट्रेट, समझे नहीं समझे, दैट्स व्हाई दे आर नॉट बिकमिंग व्हाट, एसिड सोल्युबल, दे रिमेंस व्हाट, एसिड इनसोल्युबल, इसलिए दैट्स व्हाई दे आर व्हाट, मैक्रोमॉलिक्यूल, बट देयर वेट इज नॉट मोर देन 800 डाल्टन, that's why they are considered what, they are not strictly macromolecule, kitne log samjhe, pakka samjhe, clear hai raha, aur macromolecule niche ki taraf rehti hai, is experiment ke andar dono ke dono kya mile aapko, is experiment ke andar analysis kiska kya, organic ka inorganic ka, upar bhi kon hai, niche bhi kon hai, samjh mein aaya, matlab inside kaise goli marta hai, beech mein statement hai, log pagal hai, ye statement bolna kaise tha, aap aise kaise bol sakte ho ki पूरी की पूरी सेल ऑर्गेनिक से बनी होगी, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगी नहीं होगी, क्यों ना उसके अंदर आयरन नहीं है क्या, कैल्शियम नहीं है क्या, सेल के अंदर आयरन कैल्शियम है या नहीं है, अरे बोलो, समझे नहीं समझे, तो इसके अंदर आयरन कैल्शियम आया होगा नहीं आया होगा, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन आया होगा नहीं होगा, सिंपल फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल आया होगा ना, हालांकि हर वो मॉलिक्यूल उनसे बना है, हर मॉलिक्यूल उनसे बना है ना, हर मॉलिक्यूल उनसे बना हुआ होने के बावजूद भी
उनके छोटे छोटे पार्टिकल हो सकते हैं, हो सकते हैं, अकेला भी तो हो सकता है। यस, एनसाइटी बोलता है कि अब गलती मत कीजिए, ऐसा एनसाइटी नहीं बोलता है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ गलती मत कीजिए। उस स्टेटमेंट पढ़ते समय एनसाइटी ने वहां पे लिखा है, क्या लिखा है कि सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स, इसमें से कुछ मॉलिक्यूल क्या है, लिपिड सॉरी एसिड इनसोल्युबल है, एसिड सोल्युबल है, तो एसिड सोल्युबल के अंदर कुछ लोग क्या आते हैं, इनऑर्गेनिक लोग भी आते हैं। क्या आते हैं? तो कौन कौन आता है सर? कैल्शियम आता है, मैग्नीशियम आता है, फेरस आता है, समझ में नहीं आ रहा है, नाइट्रोजन भी आता है। लेकिन यहाँ इस एक्सप्लेन को ले लिया, अगले वाले एक्सप्लेन को लिया, एसिड सोल्युबल के अंदर ये लोग मिलते हैं, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ और सिर्फ किसके लिए किया है? ऑर्गेनिक एनालिसिस। इनऑर्गेनिक लिए किया है क्या? समझा? मैं इस एक्सपेरिमेंट को इतना टाइम क्यों दे रहा हूँ? ओनली क्योंकि क्वेश्चन आता है लिपिड के ऊपर, समझ में आ रहा है, इसलिए इतना टाइम दे रहा हूँ। ये छोटी छोटी चीजें है, ठीक है, क्वेश्चन आता है इसलिए दे, नहीं तो मेरे को टाइम पास करने की जरूरत नहीं। विच इज क्लियर है सबको? पक्का कोई डाउट नहीं इसमें? चलो ठीक है, उधर गिर गया क्या? ओके, सो अभी हम जाएंगे रिगार्डिंग इनऑर्गेनिक एनालिसिस, किसका करेंगे? ध्यान दीजिए, सुनना है, क्या करना है? सुनना है, नोट्स भी निकालना है, ठीक है, सुनना है, नोट्स भी निकाल के दूंगा। अभी इसमें आपका कैपेसिटी पता चलता है, कितना आप ध्यान दे सकते हो, कितनी आपकी स्ट्रेंथ है ना। सुनो, देखो क्लास करके देखो कि लंबी क्लास क्या होती है, पता चलेगा, ठीक है। इसमें ध्यान नहीं दोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, इतना बोलते रहता हूँ, ध्यान नहीं कुछ भी समझ नहीं आएगा, सब उड़ के जाएगा, क्या बोल रहा है क्या नहीं, ध्यान देना पड़ता है इस क्लास के अंदर, क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी है। आगे आगे देखो कैसा कैसा चीज आता है, ध्यान नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा, ध्यान दो। अब दूसरा चीज है, ये बहुत आसान है, अब करेंगे हम इनऑर्गेनिक एनालिसिस, क्या करेंगे करना है? ओके, उसके लिए एक लीफ लिया, क्या लिया? लीफ, और लीफ लेके लीफ को आपको करना पड़ेगा ड्राई, क्या करना पड़ेगा? ड्राई। सर अगर ड्राई करेंगे तो क्या भागेगा इससे बताओ? पानी है ना, वाटर भागेगा नहीं भागेगा? चलो वाटर भाग गया, और उसके बाद ये लीफ पूरा का पूरा क्या हो गया सर? ड्राई, एकदम सूख गया, राइट? तो ये लीफ पूरा का पूरा एकदम सूख गया है। अब सूखने के बाद उसको क्या करना है? बर्न आउट, क्या करना है? उसको बर्न करेंगे, बर्न करने का दो चीजें बाहर निकलते हैं सर, CO2 प्लस वॉट H2 बचा तो पानी निकलेगा ना, ये होता है। और होने के बाद लास्ट में बचेगी ऐश, क्या बचेगी? ऐश का मतलब राख, बच जाएगी ना राख। ये देखो बड़ा एक टिपिकल चीज है, देखो साइंस को समझो, थोड़ा साइंस को साइंस की तरह देखो आप, ध्यान दो। ऐश का मतलब ये नहीं कि उसके अंदर पूरा बर्न हो गया CO2 H2O, जो कार्बन कंपाउंड थे हाइड्रोकार्बन पता है ना, वो सब चले गए, चले गए ना, वही तो है लाइफ, पूरा हाइड्रोकार्बन से मिलता है ना, अरे प्रोटीन लो, लिपिड लो, न्यूक्लियस लो, सब के अंदर तो कार्बन हाइड्रोजन है, वो सब लोग चले गए, ऑक्सीजन भी चला गया ना, वो तो मेन तीन ही तो मेन है, वो सब चले गए तो बचेगा क्या सर? बचेगा क्या इसके अंदर? बचेगा कैल्शियम, समझ में आ रहा है? मैग्नीशियम, क्या बचेगा? Mn, फेरस, समझे नहीं? नाइट्रोजन, सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बन, समझे नहीं? समझे? दिस वाज द थिंग आई शुड नो। ये सब के सब ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है? सब के सब क्या है? इनऑर्गेनिक। तो ऐसा किया जाता है कि अगर पता करना है कि किसी प्लांट के अंदर, किसी सेल के अंदर कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, सिंपल में तुम्हें इस ऐश को लो, एनालिसिस करो, इसके अलग अलग टेस्ट रहते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा। ओके, डन। कुछ लोग हिल रहे, पता नहीं मुझे लग रहा है, मेरे ख्याल से ये मेथड कितना आपको डाइजेस्ट होगा पता नहीं, कंटिन्यूस क्लास करना, लिखना नहीं है, कल नोट्स निकालेंगे, पता नहीं आप लोग कितना डाइजेस्ट कर पा रहे, देखता हूँ मैं एक क्लास करके देखता, नहीं तो मुझे मेरे ख्याल से मेरा मेथड ही चेंज करना पड़ेगा। नहीं लिख के चलेगा ना, लेकिन मुझे पता है मुझे आपको क्या इंजेक्शन देना है, ठीक है, लेकिन आप सहन करना पड़ेगा, क्योंकि ध्यान देना ही पड़ेगा। वो पहले क्या था, 5 मिनट पढ़ाया फिर लिख के दिया, तो थोड़ा एक मूवमेंट बना रखा था, लेकिन कंटिन्यूसली बोलना पड़ता है, समझाना पड़ता है, क्योंकि टॉपिक ऐसा है, ठीक है। ओके, सो ये समझ में आया। अब चलिए एनसीईआरटी के अंदर आते, खुली एनसीईआरटी फटाक से मैं दिखा दो कहाँ पे क्या क्या लिखा है। शायद आपको पता नहीं होगा, ये सेम चैप्टर आपको इसमें भी है, केमिस्ट्री में भी है ये सेम चैप्टर, ठीक है, बायोमोलिकुलर चैप्टर केमिस्ट्री के अंदर, पता है ना आपको, केमिस्ट्री का है ना, दिख रहा है ना, वहां पे भी है सेम चैप्टर, ठीक है, लेकिन ये चैप्टर सिर्फ आपको समझ में आएगा, हाँ ये मेरा गारंटी है, ये बायोलॉजी को चैप्टर ज्यादा समझ में आता है, मेरा गारंटी, ठीक है, ये भी ऐसा, क्योंकि उनको इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता ना,
क्या बोला है, क्या लिखा, एंजाइम भी लिखा, एंजाइम वो पत्नी, एंजाइम क्या है कुछ से भी। हाँ हर साल लोग मुझे मुझे एंजाइम क्या शरीर क्या है ना, ये आप इजीली आप उसको हैंडल कर सकते हो। ठीक है क्या हो गया दूसरा यार, केमिस्ट्री का निकला। देखिए ध्यान दो, प्लीज डॉक्टर कैसा देखो, ठीक है ऐसा नहीं कि सीक्वेंस में सब दिया, हमने जो पढ़ा है इधर उधर बिखरा हुआ है, ठीक है उसको पूरा एक साथ किया है, दिखा था आपको क्या कहाँ पे क्या दिया, ठीक है हमने स्टार्टिंग यहाँ से किया, हाउ टू एनालाइज द केमिकल कंपोजिशन, ठीक है समझा कि अंदर क्या है, कैसे एनालिसिस कर सकते हो उसके बारे में दिया, और कहाँ पे क्या दिया थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। We can continue asking the same way, what type of organic molecule are found in living organism? इस question का answer हमें मतलब चाहिए ना, right? How does one go about finding the answer? कि ये किसी living organism के अंदर कौन-कौन से organic molecule मिलते हैं? या अगर इस question का अगर answer ढूंढना है, तो कैसे हम ढूंढ सकते हैं? ऐसा बोला, ठीक है? तो यहाँ बोला है, यहाँ पे experiment दिया, okay? To get answer, अगर ये हमें अगर answer चाहिए, ठीक है? To get an answer. One has to perform the chemical analysis. तो क्या perform करना पड़ता है? Chemical analysis. One has to perform what? Chemical analysis. Okay. Full stop. क्या chemical analysis? We can take any living tissue. क्या बोल रहा है? Any living tissue. कुछ भी हम living tissue ले सकते हैं. For example, vegetable. पूरा vegetable ले सकते हैं ना? आपका coriander. Coriander पता है ना? क्या है coriander? पता है ना? Spinach. क्या है? अलग बीट पता है ना, इसको ले सकते हैं, और पीस ऑफ लिवर, लिवर का छोटा टुकड़ा ले सकते हैं। एग्जांपल दिया है, नहीं देना है कभी, निकालना है एग्जांपल जो करके देख लिया आपके अंदर करना है कि नहीं, समझ आ रहा है? करना है फ्यूचर में, अभी नहीं करना है ना, करना है देखते हैं। तो फिर इसको ग्राइंड करेंगे राइट विद द हेल्प ऑफ व्हाट, Cl3C(OH), मोटर, मोटर पता ना नीचे वाला मोटर है, और मुसल एंड खिलो ना, मुसल मुसल एंड क्या उखड़ पता है ना, ओके तो मोटर एंड व्हाट पिस्टल बोले कि ये करेंगे राइट, ओके वी कैन ऑब्टेन थिक स्लरी, स्लरी मतलब क्या बोलते हैं पेस्ट मिल्स, ओके इफ इट टेक्स टू स्ट्रेन दिस थ्रू व्हाट चीज क्लॉथ पता है ना, मसलिन को आपको बोलते हैं मसलिन क्लॉथ बोलते हैं ना उसको, मसलिन क्लॉथ बताने जीवन छोड़ो, सो और कॉटन, कॉटन क्या लेंगे हम, कॉटन क्लॉथ ले सकते हैं, वुड ऑब्टेन टू फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शन मिलते हैं, वन इज कॉल्ड एज व्हाट, समझ आ रहा है, फिल्ट्रेट मतलब नीचे वाला, लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं, समझ आ रहा है, सेकंड इज व्हाट रिटेंट, और टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इसको, समझे समझे, डायग्राम दिया है ना, सारा डायग्राम दिया है, दिख रहा डायग्राम दिखता है ना, मैं क्या बोला समझ नहीं आपको, ठीक है, साइंटिस्ट साइंटिस्ट हैव फाउंड व्हाट थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन व्हाट, क्या बोला समझे आपको, एसिड सोल्युबल के अंदर भी कौन है रे, ऑर्गेनिक है ना, और इनसोल्युबल के अंदर भी कौन है, कितने लोग समझे, ये मिसकंसेप्शन है बहुत बार कि लोग सोचते ऊपर ऑर्गेनिक है तो नीचे क्या होना चाहिए, ऐसा सोचते हैं ना, ये इस लाइन को लेके बहुत सारे लोग क्वेश्चन लेके आते, मतलब मैं बता रहा हूँ अगर ठीक से पढ़ाने का, तो ये क्वेश्चन मार्क मैं क्या बता रहा हूँ समझ आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन दिमाग के अंदर ऐसे दो साल चल जाते पता नहीं चलता घर लेके आया, आपको पता चला कि एसिड सोल्युबल के अंदर भी क्या होता है ऑर्गेनिक, ऊपर भी क्या रहता है, बट मैंने एक चीज बता दी एसिड सोल्युबल के अंदर और एक चीज रहती है, क्या रहती है, हो सकते नहीं हो सकते, यहाँ लिखा है क्या, कहाँ लिखा था मैं दिखाता हूँ, ठीक है ओके ये हो गया, तो ये क्लियर है सर, नाउ देन अब ये बोल रहे हैं देखो जनरल चीजें बता रहे हैं क्या है, देखो इन हायर क्लासेस मतलब हायर क्लास मतलब कौन सर, नालायक एमबीबीएस, यू विल हैव लर्न अबाउट व्हाट, हाउ टू एनालाइज द लिविंग टिश्यू सैंपल एंड आइडेंटिफाई व्हाट पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड, हायर क्लास मतलब एमबीबीएस कौन है, हेल्थ है ना, अभी डिग्री देना पड़ेगा लेकिन अभी डिग्री देंगे, ठीक है आप लोग क्या है मतलब,
एजुकेशन में मजाक छोड़ो क्या है अभी मेरे कुंडली में लिखा होगा ऐसे स्टूडेंट में क्या कर सकता हूँ। कल वही सोच रहा था कि क्या बैच क्या मिला मेरे को अभी तो पढ़ा ऐसा कुछ मिला नहीं अजीब लोग मिले यार ठीक है ध्यान ना खुशी तकलीफ देने से ठीक है ध्यान ना। सो तो इन विच क्लासेस हायर सेकेंडरी स्कूल डजंट मीट हायर क्लासेस समझ में आ रहा है हायर क्लास में हायर क्लास डिफरेंट थिंग ठीक है हाँ। So it is suffice to the say that say here that one extract and compound and then subject to extract various separations technique until one has separation a compound from another compound. तो क्या बोला सबको सुनते कितना बोल रहा है कि जब हायर क्लास में जाके पढ़ोगे है ना तो वहां पे क्या है ऐसे टेक्निक से कि लास्ट तक एनालिसिस किया जाता है। देखो यहाँ पे उसने बोला कि इसके अंदर सिर्फ क्या प्रोटीन लिपिड कार्बोहाइड्रेट न्यूक्लिक एसिड लेकिन यहाँ टेक्निक देखा क्या आपने कि प्रोटीन कैसे सेपरेट करना है लिपिड देखा क्या हायर क्लास के अंदर वो पढ़ना है मिक्स्ड कल्चर है ना मिक्स्ड मिक्सचर है उस मिक्सचर में जो खाली प्रोटीन हमें सेपरेट निकाल देते हैं अमेजिंग ना। तो यहाँ पढ़ने के लिए मिलेगा कहाँ मिलेगा तो आपकी इच्छा है अगर ये पढ़ना है तो वहां पढ़ सकते हो क्योंकि बायोकेमिस्ट्री रहता है एमबीबीएस के 4 साल के लिए ठीक है बायोकेमिस्ट्री रहता है। और दूसरा चीज अगर यहाँ ठीक से बेसिक फाउंडेशन क्लियर नहीं करोगे वहां पछताओगे मतलब ध्यान दो यहाँ पे समझ में आ रहा है यहाँ ध्यान दो यहाँ बेसिक क्लियर नहीं हुआ तो मारे जाओगे ठीक है। फर्स्ट ईयर में तो यही और जो चीज बताऊंगा आपको बाद में पता चला हाँ यार ये बहुत काम का चीज था ठीक है। सो तो वी बोल रहा है कि विल सफिशिएंस टू से दैट वन एक्सट्रैक्ट द कंपाउंड कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट करो एंड देन व्हाट सब्जेक्ट टू एक्सट्रैक्ट व्हाट वेरियस सेपरेशन टेक्निक अलग अलग सेपरेशन की टेक्निक होगी नहीं होगी टिल वन हैज टू सेपरेट अ कंपाउंड फ्रॉम ऑल अदर कंपाउंड मतलब समझ में आ रहा है बहुत सारे कंपाउंड में से एक कंपाउंड को क्या करना है हमें सेपरेट करना है इस समय ठीक है गोली मारो ठीक है ये कुछ खास नहीं क्वेश्चन नहीं आएगा बट फिर भी पढ़ते समय दिक्कत नहीं है बता रहे इन अदर वर्ड वन आइसोलेट एंड प्यूरिफाई द कंपाउंड आइसोलेशन जानते ना आइसोलेशन जानते रहते हैं एक को उठा के एक रूम में फेंक दिया वो क्या हो गया बहुत सारे कंपाउंड में से एक कंपाउंड निकाल दिया इसका मतलब क्या है बहुत सारे कचरे में से एक चीज निकाल दिया उसका मतलब क्या है प्यूरिफिकेशन बोल सकते ना यही है ना समझ रहा ओके एनालिटिकल टेक्निक्स तो टेक्निक होगी नहीं होगी कैसे छू मंत्र करने से आ जाए तो ऊपर ऐसा बाहर प्रोटीन छू आ गया ऐसा सब कुछ आ गया इज इट पॉसिबल नो। सो एंड व्हेन अप्लाइड टू कंपाउंड टू गिव व्हाट एंड यूज एन सॉरी गिव अस एन आइडिया ऑफ द मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चर एंड कंपाउंड ये क्या बोला सर खाली वहां से प्रोटीन निकालने की बात नहीं है निकालो फिर उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना पड़ता है फिर स्पेक्ट्रोस्कोप के नीचे डाल के उसका क्या निकालना पड़ता है स्ट्रक्चर भी निकालना पड़ता है एक पर्टिकुलर हीमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन है ना हीमोग्लोबिन हाँ एक प्रोटीन है उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है वो भी देखना पड़ता है कब कब देखोगे है ना हायर क्लास ओके हायर क्लास अमेजिंग ऑल ऑल कार्बन कंपाउंड दैट गेट यू फ्रॉम लिविंग टिश्यू आर कॉल्ड एज व्हाट कंडीशन ऑफ ऑल ऑल कार्बन कंपल्सरी है भले लिपिड हो भले प्रोटीन हो कार्बोहाइड्रेट हो एंड क्या न्यूक्लिक एसिड सबके अंदर है कार्बन हाइड्रोजन कंपल्सरी राइट हाउएवर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव आल्सो व्हाट व्हाट इनऑर्गेनिक एलिमेंट एंड कंपाउंड इन देम मतलब मिक्सचर होगा ना होगा अगर आप न्यूक्लिक एसिड बोल रहे तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्या रहता है फॉस्फोरस भी रहता है पता है ना यानी पता ना डीएनए के अंदर फॉस्फोरस होता नहीं होता है होता ही नहीं होता है इसका मतलब उनके साथ इनऑर्गेनिक कंपाउंड की जरूरत है या नहीं है। How do we know this slightly different about a destructive experiment? Destructive मतलब तोड़ के देखना पड़ेगा ना ऐसे थोड़ी पता चल देखने से पता चलेगा माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं उसको नहीं एक्सपेरिमेंट करने पड़ेगा वन वेट अमाउंट सॉरी अभी देखो ये मेथड बता रहा है किसके लिए फॉर इनऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे एनालिसिस करना है ठीक है बिफोर गोइंग टू अहेड अब देखिए दूसरा चीज हमने इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एनालिसिस क्या नहीं किया मेथड बताया ना उसने क्या करना है उधर ही स्टॉप किया लेकिन कहाँ पे कौन कुछ बताया क्या इतना बता कि एसिड सोल्युबल एसिड इनसोल्युबल अब वो देखो देखो पूरा आगे जाना पड़ता है वो हेड आ जाएंगे देखो यहाँ पे भी नहीं सोचते हैं अकेला पढ़ के हो जाएगा ऐसा नहीं है यहाँ पे भी दिखाता हूँ आपको यस देखा आपको
बायो मैक्रो मॉलिक्यूल उतना जम करके इधर तक, ठीक है। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी क्या दिए इधर ध्यान, ठीक है। सो व्हाट डू यू सी, देयर इज वन कॉमन, वन फीचर कॉमन टू ऑल दोस कंपाउंड फाउंड इन एसिड सोल्युबल। अब समझा, कुछ अलग नहीं बोल रहा, उसी की बात कर रहे हैं लेकिन बहुत दूर जाके बात कर रहे हैं। तो जितने भी एसिड सोल्युबल चीज है, मतलब एसिड के अंदर जो मिक्स होते हैं ना, उनकी खासियत बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? दे हैव मॉलिक्यूलर वेट रेंजिंग फ्रॉम वेट वेयर अप्रोक्सिमेटली, क्या बोला फोन मेरा। अब ये किस किस से बोल रहा है, एक्सपेरिमेंट किस से बोल रहा है, समझे ना? समझा, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पैराग्राफ बहुत कंफ्यूज होता है, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। एक बार ध्यान दो तो समझ में आ जाएगा। मैं कंफ्यूज होता हूँ, इस प्रैक्टिस बोलता हूँ जो मतलब अपने मन से पढ़ लिया, किसी की सहायता नहीं ली है ना, खुद से मतलब कहीं से इधर उधर से पढ़ रहा है, तो उसमें दिक्कत आ सकती है। सो दे हैव मॉलिक्यूलर वेट रेंजिंग फ्रॉम 18 टू डाल्टन अप्रोक्सिमेटली, लेकिन ये बोल रहा है किसके हिसाब से, ओके। द एसिड इनसोल्युबल फ्रैक्शन हैज ओनली फोर टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनसोल्युबल मतलब ऊपर का ना, क्या बोला है, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, और क्या बोल रहा है, कार्बोहाइड्रेट बोला क्या, नहीं, पॉलीसैकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज इज आल्सो कार्बोहाइड्रेट ना, बट पॉलीसैकेराइड मतलब मिनी ग्लूकोज। कितने लोग समझ रहे हैं क्या बोला, समझ रहे हैं? सुनो ध्यान से, सुनो सुनो सिर्फ सुनो, हर एक चीज लिख के दूंगा, सुनो, ओके। एंड व्हाट लिपिड्स, दीज क्लास ऑफ कंपाउंड विथ एक्सेप्शन व्हाट हैव द मॉलिक्यूलर वेट रेंज ऑफ व्हाट, समझे नहीं समझा, ये सब का वेट कितना है बोल रहे हैं, विथ एक्सेप्शन ऑफ, समझा, ये एनसीटी लिखा है ना, ऐसे अरे गेरे लोगों ने लिखा है, नहीं लिखा है, ठीक है, देश के जो बड़े बड़े टैलेंट लोग उन्होंने लिखा है, ठीक है। अब देखो पेज चेक करो, कैसे कैसे महान महान लोग है, ठीक है, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों ने लिखा है, बहुत सोच समझ के लिखा है, कम से कम शब्दों में बहुत कुछ बताया उन्होंने, ठीक है, फुल स्टॉप। फॉर दिस वेरी रीजन बायोमोलिक्यूल केमिकल कंपाउंड फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर टू टाइप, दो प्रकार के हो सकते हैं। तो एक वन दोज हैव मॉलिक्यूलर वेट लेस देन व्हाट यूजुअली रेफर्ड एज अ और सिंपली दोज व्हिच हैव फाउंड इन एसिड इनसोल्युबल फ्रैक्शंस आर कॉल्ड एज व्हाट और स्टेटमेंट लाइन का नहीं, मैंने पहले क्लियर किया इसलिए कुछ नहीं लग नहीं रहा है, ऊपर कुछ और बोलता है नीचे कुछ और बोलता है, क्यों टाइम गलत समझ में आ रहा है ना। तो ऊपर बोल दिया कि सर इधर तो बोला है कि मतलब क्या बोला है कि जो क्या है दोस कंपाउंड फॉर व्हाट एसिड सोल्युबल कूल, उनका वेट कितना बोल रहा है, बोल दिया ना, और नीचे आसानी से कितना बोलता है, 10,000 ना, और नीचे लास्ट में कितना बोलता है, 1,000 दोस व्हिच हैव मॉलिक्यूलर वेट लेस देन व्हाट 1,000 डाल्टन, एक 1,000 से कम है ना, आर यूजुअली रेफर्ड एज व्हाट, समझे ना। हालांकि उस एक्सपेरिमेंट के अंदर कितने मिले, 1,800 से लेकर 800 ना, तो वो क्या माइक्रोवेव हो गया ना, क्योंकि उनका वेट कितना है, हाँ समझा नहीं समझा, जिन बायोमोलिक्यूल का वेट लेस देन 1000 डाल्टन है जिन रेफर्ड एज व्हाट माइक्रो मॉलिक्यूल, और वही लोग जिनका वेट मोर देन मतलब लेस देन 1000 है उन्हीं लोगों को अलग अलग एंगल से देख सकते क्या, सिंपली सिंपली व्हाट मॉलिक्यूल्स व्हिच दोस व्हिच आर फाउंड इन व्हाट एसिड सोल्युबल फ्रैक्शंस, नहीं सॉरी सॉरी गलत नहीं, आर बोला ना, ये अलग अलग चीज के लिए बोल रहा है, सुनो ध्यान दो, आर का मतलब दूसरे के लिए बोल रहा है, ठीक है, आर सिंपली बायोमोलिक्यूल व्हिच आर दोस आर फाउंड इन व्हाट, उन्हें क्या बोलते हैं, ऊपर का स्टेटमेंट किसके लिए था, नीचे का किसके लिए, और सिंपली व्हाट कैसे समझा, ये है एनसीईआरटी, ये क्या है एनसीईआरटी, उसको हमने डिकोड करके अच्छे से ना रेडीमेड खाना देख मतलब खिला, ठीक है, समझे नहीं समझे, ये क्या खिला था, ये खिला था रॉ मटेरियल, क्या खिलाते हैं, ये ज्वारी है ना, गेहूं बाजरा है ना, राइस, और खाने के लिए बोलते हैं, खा सकते क्या, खिचड़ी पका के दी है, ठीक है, पका के दी है, माउथ के अंदर डाली भी है, ठीक है, माउथ को हिलाया भी, ठीक है, डाइजेस्ट करना आपका काम है, क्या बोला समझ में आया, समझा नहीं समझा, अभी बहुत आसान लग रहा है, डायरेक्टली बोलो कुछ समझ में आएगा नहीं, बच्चे पागल होते कि क्या बोला इसके अंदर सर बताइए, लेकिन आपको समझ आया ना, ओके चलो ठीक है। सो एंड देन सो अब लिपिड का रीजन थोड़ा एक दो मिनट एक्स्ट्रा लूंगा, ऑलरेडी क्लास बहुत लेट चल रही है, ठीक है, एग्जाम पे इसको खत्म करते दो मिनट। द मॉलिक्यूल इन द इनसोल्युबल फ्रैक्शंस आर एक्सेप्शन ऑफ व्हाट, लिपिड पॉलीमरिक
बोला नहीं बोला इनसेल्यूबल फ्रैक्शन के अंदर एक्सेप्शन ऑफ लिमिट क्यों बोल रहा है? तो ये एक्सेप्शन ही बोल रहा है ना, ऊपर बोला था ना एक्सेप्शन. देन व्हाई डू लिपिड्स हुज मॉलिक्यूलर वेट टू नॉट एक्सीड कितना है, उससे ज्यादा है क्या? कम अंडर एन असोल्युबल इनसोल्युबल फ्रैक्शन क्यों आता है, क्यों उसको मैक्रो मॉलिक्यूल बोलते हैं? बोला ना रीजन दिया है, लिपिड्स आर इंडीड स्मॉल मॉलिक्यूल, लिपिड छोटे है ना, हालांकि लिपिड मॉलिक्यूल छोटे ऐसा बोला, लिपिड्स आर इंडीड स्मॉल मॉलिक्यूल, हालांकि लिपिड मॉलिक्यूल छोटे हैं, मॉलिक्यूलर वेट में छोटे हैं, बट क्या बोल रहा है कंपाउंड्स, ध्यान दे क्या बोल रहा है, रिपीट क्वेश्चन. कंपाउंड्स आर एंड आर प्रेजेंट नॉट ओनली एट द सच बट आल्सो अरेंज इनटू व्हाट स्ट्रक्चर लाइक व्हाट, कहां रहते हैं? सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन. अदर मेम्ब्रेन का मतलब क्या है रे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किससे बनता है? लिपिड से बनता है. माइटोकॉन्ड्रिया उससे बनता है. ईआर का किससे बनता है? जितने भी मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर वो किससे बनता है? लिपिड से बनता है. ओके फुल स्टॉप. अभी तक आंसर दिया है क्या? नहीं. अब बोला ऐसे बोल रहा है कहानी बोलते डायरेक्टली. अगर किसी को पूछा इसका मतलब एक्सीडेंट कैसे हो गया, ऐसे थोड़ी बोलते हैं मर गया बोलते हैं. रीजन बताते ना, एनसीईआरटी ऐसा रीजन बता रहा है, कुछ कुछ बता के फिर आंसर की तरफ ले जाएगा. फुल स्टॉप. व्हेन वी ग्राइंड टिश्यू, टिश्यू ग्राइंड करते नहीं करते, वी आर डिस्टर्बिंग व्हाट? ग्राइंड क्या मतलब? सेल को फोड़ा ना हमने. ओके देन फुल स्टॉप. कहानी नंबर टू. ठीक है, कहानी का दूसरा पार्ट. सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन्स आर व्हाट? ब्रोकन इनटू व्हाट? पीसेस. है ना? और एनसीईआरटी कोड लैंग्वेज है. कॉमा एंड फॉर्म वेसिकल. समझे? एंड कॉमा एंड फॉर्म वेसिकल. कॉमा के बीच में जो गैप है हमने फिल कर दिया. कैसे बनाते पता चला ना? अरे फोड़ने के बाद हाइड्रोफोबिक एक साथ आएंगे नहीं आएंगे? इतना तो है, तेल को अगर पानी के अंदर डाल दे तेल अलवेज क्या बनाता है? गोला बनाता है. वो गोला क्या वेसिकल है ना, उस तरह की इसका है. कितना भी थोड़ा गोला बनेगा नहीं बनेगा? यानी सर है वेट कितना? 800 डाल्टन से भी कम, लेकिन एक साथ आते हैं. एंड पावर किस में रहती है? यूनिटी में पावर रहती है. और उस यूनिटी के पावर के कारण नीचे जा पाता है क्या? नहीं, ऊपर ही रहेगा. एक दूसरे का हाथ पकड़े ना, नीचे गिर सकते है क्या? नहीं गिर सकते ना. समझे नहीं समझे? उनसे प्रेरणा लेने चाहिए. ठीक है, पता नहीं चला आपको क्या समझे. ओके सो एंड फॉर्म वेसिकल विच आर नॉट फाउंड इन व्हाट? उधर एसिड बोला है ना सर, इधर वाटर बोल रहा है. क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है आपको? वाटर के अंदर मिक्स होते क्या? नहीं होते. उस तरीके से एसिड के अंदर भी मिक्स होते क्या? नहीं होते. चलो फुल स्टॉप. देयरफॉर दीज मेम्ब्रेन फ्रैगमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल गेट सेपरेट अलोंग विद व्हाट? इसलिए वो गोला बनाते हैं, इसलिए क्या होता है? एसिड इनसोल्युबल के साथ ही क्या रहते? ऊपर रहते. नीचे आते क्या? नहीं आते. एंड हेंस इन द मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शंस लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली. समझे नहीं समझे? कितना लोग समझे बताओ? पक्का? सर वो स्टेटमेंट जो आपने बोला था कि व्हाट, कि एसिड इनसोल्युबल के अंदर, एसिड सोल्युबल के अंदर क्या मिलते हैं? इनऑर्गेनिक मिलते नहीं मिलते? वो कहां पे है सर? वो यहां पे दिखा, ध्यान दो. अब एनसीईआरटी खोल के बैठे नहीं बैठा नीचे बैठो बाबा, दिक्कत हो जाता है. ठीक है, अभी ध्यान दो. दिस इज लास्ट. यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए एक मिनट रुको. अब ये ऑर्गेनिक का भी है, खत्म कर ही लेते. ठीक है, इनऑर्गेनिक किसका है? इनऑर्गेनिक. ओके नाउ. ओके फिर यहाँ से इनऑर्गेनिक. वन वन वेट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू. अब इनऑर्गेनिक कैसे करना है? इनऑर्गेनिक के लिए हम क्या ले सकते हैं? लीव भी ले सकते हैं, लीवर ले सकते हैं. कॉल्ड एज वेट. लीव और लीव कैसे रहते हैं? वेट मतलब गीले रहते हैं ना, उनको गीले रहते हैं. फिर क्या करना है उसको? ध्यान दिया करो. ठीक है, क्या बोल रहे हैं? ड्राई करना है. ऑल वाटर इवेपोरेट मतलब वाटर चला जाएगा, नहीं चलेगा. रिमेनिंग मटेरियल यूज व्हाट? ड्राई वेट मिला. नाउ द टिश्यू फुल्ली बर्न, जला उसको. एंड ऑल कार्बन कंपाउंड आर ऑक्साइड्स गोस टू व्हाट? गैसेस. किस फॉर्म में? एंड रिमूव्ड है ना. एंड रिमूव्ड व्हाट रिमेनिंग इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस ऐश कंटेन व्हाट इनऑर्गेनिक एलिमेंट? कौन होगा? कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड व्हाट? फेरस. ये सब होते नहीं होते? यस. इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक सल्फेट, फॉस्फेट, ईटीसी आर सीन इन व्हाट? एसिड सोल्युबल. मिला आपको? कितने लोग समझे? यहाँ बोला नहीं बोला? तो ये लोग यहाँ कंफ्यूज नहीं, क्या बोलना चाहते किसी को समझ नहीं आता कि क्या बोलना चाहते हैं. ऊपर तो बोलता है कि जितने भी है उस सेक्शन में तो बोला है ना, क्या बोला है? कि क्या मिलेंगे सबके सब? ऑर्गेनिक. और यहाँ क्या बोल रहा है? उस बुद्धू को समझ में आना चाहिए कि भाई लीफ के अंदर दोनों होता है ना, तो दोनों होता है. इनऑर्गेनिक तो बहुत छोटा है ना, ऊपर क्यों रहेगा? नीचे आएगा ना, इसलिए वहां पे क्या मिलते हैं? ऑर्गेनिक भी मिलते हैं और क्या मिलते हैं? लेकिन हालांकि उस एक्सपेरिमेंट का मकसद क्या है? सिर्फ और सिर्फ किसका एनालिसिस करना? ऑर्गेनिक. इज इट क्लियर?
Therefore, the element analysis gives what element composition of living tissue in the form of hydrogen, oxygen, chloride, carbon. Is it clear? समझ में आ गया? Thank you very much. Clear है ना? इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? कल कंटिन्यू मतलब कल क्या करेंगे? लिख के देंगे।